है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों संसद की सुरक्षा चूक मामले में 8 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। इसके बारे में तमाम जानकारी देंगे दोस्तों। कल संसद की सुरक्षा चूक का बड़ा मामला आया था, कल मैंने वीडियो भी बनाया था, उसका एक फॉलोअप वीडियो है, इस पर बने रहिए, तमाम जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों देख रहे सुरक्षा चूक में जो लोग आरोपी हैं उसको कोर्ट ले जाते हुए, इसमें 3 महिला भी है, तो इस पर पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों 8 सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है लोकसभा में। दोस्तों 8 सुरक्षाकर्मी जो वहाँ तैनात थे संसद भवन के बाहर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जूते उतार कर चेकिंग भी कराया जाएगा, ये अलग से ऐड किया गया है। अब कोई भी संसद में जाएंगे तो विजिटर जो भी वहाँ जाएंगे उनके लिए ये होगा। और पता नहीं अभी इसके बारे में सांसदों और तमाम बड़े पदाधिकारियों का कैसे सुरक्षा इंतजाम होगा, ये अभी कुछ क्लियर किया नहीं गया है। पर यहाँ अब जूते उतारवा कर भी चेकिंग किया जाएगा, ये खुलासा हुआ है। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने वाले 2 आरोपी और उनके 2 सहयोगियों को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। चारों आरोपियों के खिलाफ UPA की कार्रवाई की गई है। और दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये प्लांट अटैक था। उधर सुरक्षा में चूक के चलते सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इनका नाम रामपाल, अरविंद और वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विनीत और नरेंद्र है, जो कि ये 8 सुरक्षाकर्मी वहाँ के लिए जिम्मेवार थे। घटना के बाद पटियाला पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों की जूते उतारवा के चेकिंग की गई है। इस बीच मेघालय के CM को भी इसके द्वारा बिल्डिंग के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद संगमा अपनी कार से ही उतरे और शार्दुल द्वारा होते हुए संसद के अंदर गए। उधर PM मोदी संसद पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। 5 जरूरी कदम जो उठाए गए हैं। संसद में घुसपैठ के बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कई बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे संसदों के स्टाफ मेंबर्स और पत्रकारों की एंट्री गेट अलग होंगे, विजिटर को 4th गेट से प्रवेश कराया जाएगा। विजिटर पास जारी करने पर अभी रोक लगा दी गई है। दर्शक दीर्घा के चारों ओर ग्लास का सील लगाए जाएंगे ताकि कोई कूदकर सदन के अंदर ना आ सके। एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैनर मशीन लगाई जाएगी। सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ोतरी की जाएगी। और वहीं अपडेट है कि 8 सुरक्षाकर्मी को जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। संसद में घुसपैठ को लेकर तेलंगाना विधानसभा में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र के विधान परिषद के अध्यक्ष नीलम गौर ने लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन के बाद बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि विजिटर की गैलरी पास जारी ना करें। राज्य विधानमंडल की शीतकालीन सत्र इस समय नागपुर में चल रहा है। तो दोस्तों तमाम पूरे देश में एक तरीके से जहां विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा, सब जगह की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अपने अपने स्तर पर राज्य में भी इसकी सुरक्षा कड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सुरक्षा चूक था। हो सकता था कोई आतंकवादी भी घुस जाए वहाँ पे, लेकिन गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और एक नॉर्मल प्रदर्शन था। लेकिन फिर भी इस पर कार्रवाई की गई है और कोर्ट में भी पेश करके उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है आरोपियों को। अब देखते हैं आगे जो भी अपडेट होगा जरूर बताएंगे आप लोग को। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। न्यूज़ ऑफ द डे TV को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी पहुँचाइए वीडियो को, शेयर करके अपने फ्रेंड और फैमिली तक लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग स्पोर्ट्स न्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर स्पोर्ट न्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो स्पोर्ट्स ऑफ द डे TV को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा दूसरा चैनल है जिसमें मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी जानकारी इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे, तो इसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसका वीडियो को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।